बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे तोरा मां। तैयार है? तैयार है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो स्वागत है आप लोग को हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानने वाले हैं बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक छोटे से गांव गहलोर में। तो चलते हैं और देखते हैं वहां का क्या माहौल है, क्या है, कैसा है, कैसा नहीं है। वीडियो अंत तक देखिएगा और बताइएगा कमेंट में वीडियो आपको कैसा लगा, क्या कमी रही वीडियो में और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप हमें कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। तो फाइनली हम लोग आज गहलोर आ चुके हैं। ये है गहलोर पूरा घाटी, पूरा दूर दूर तक। ये जो आप लोग पूरा दूर दूर तक देख पा रहे हैं, ये है गहलोर घाटी। जी दोस्तों, ये है पूरा गहलोर घाटी, पूरा मस्त नज़ारा है, बोले तो एकदम ब्यूटीफुल। अगर आप लोग कभी कभी मन करे यहाँ घूमने आने का तो आप लोग आ सकते हैं। यह बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक छोटे से गांव गहलोर का सीन है। ये जो पीछे देख रहे हैं वही है गहलोर घाटी। दोस्तों, आज मैं ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूं जो यह पूरी दुनिया के लिए जज्बे और जुनूनियत की मिसाल है, जिन्होंने केवल एक हथौड़ा और एक छेनी को लेकर के अपने अकेले के दम पर 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को काट करके एक ऐसी सड़क बना दी जिससे दिन भर में तय किए जाने वाले रास्ते को अब महज आधे घंटे में तय किए जाने लगा। जी दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ दशरथ मांझी जी के बारे में, जिन्होंने अपनी प्रेमिका, अपनी मोहब्बत फागुनी की याद में यह अद्भुत काम कर दिखाया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दशरथ मांझी जी के बारे में। माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को हुआ था। दशरथ मांझी बिहार राज्य के गया जिले के एक बहुत पिछड़े गांव गहलोर में रहते थे। इस पिछड़े गांव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके गांव में ना तो दुकान थी ना ही स्कूल, और पानी के लिए ही लोगों को 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। ऐसे में छोटी सी छोटी जरूरतों के लिए वहाँ के लोगों को गाँव और कस्बे के बीच एक लंबा पहाड़ पार करना पड़ता था, या फिर पहाड़ के किनारे किनारे चलकर 70 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता उस कस्बे तक पहुंचने के लिए। और फागुनी, जिसे दशरथ प्यार से फागुनिया बुलाते थे, वो तो उनके जान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाहजहां की मुमताज। लेकिन उसकी खुशियों की जल्द ही नजर लग गई, क्योंकि वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। लकड़ी काट रहे अपने पति दशरथ के लिए खाना ले जाते समय फागुनी का पैर फिसला और वो पहाड़ों से गिर गई, जिससे वो बहुत जख्मी हो गई और कुछ घंटे में उसकी मृत्यु हो गई। लोग कहता हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है, ये भीतर का घाव है। जब तक ये टूटेगा नहीं भरेगा नहीं। तो अपना अखबार काहिनी छाप देते? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ थोड़े से भी मुश्किल है का? ताकत कहाँ से लाते हैं? ये प्रेम है, प्रेम पर बहुत बल है भगवान। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। आए हुए हैं गहलोर घाटी, जो पीछे आप लोग ये पहाड़ देख रहे हैं वही पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया था। क्या राय कुंदन, पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं वही पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया था दशरथ मांझी ने। यहाँ पे टॉयलेट बनाया गया है जेंट्स एंड लेडीज के लिए। ये पीछे जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से भी एंट्री है, उधर से भी एंट्री है, और बीच में जो है पहाड़ है। पीछे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे दशरथ मांझी जी का समाधि बनाया गया है। दोस्तों, अगर फागुनी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जा सकता था तो शायद वो बच जाती, लेकिन
घेलर गांव से तुरंत शहर जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि उनके गांव और शहर के बीच एक विशाल पर्वत था और पहाड़ के कारण घुमावदार रास्ते से शहर की दूरी बहुत ज्यादा थी। यह घटना दशरथ मांझी जी के दिल पर चोट कर गई। आखिर उनकी मोहब्बत ने उनका साथ जो छोड़ दिया था, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहते थे। कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद दशरथ ने संकल्प लिया कि वो यह विशाल पर्वत को काट कर बीचों बीच रास्ता निकालेंगे, जिससे किसी और के मोहब्बत उसके साथ ना छोड़े। और उसके बाद से वो पूरे 22 साल लगे रहे, ना दिन देखा ना रात, ना धूप देखा ना छाव, ना सर्दी देखा ना गर्मी, बस लगे रहे। वहाँ ना कोई पीठ ठोकने वाला था, ना कोई शाबाशी देने वाला। उल्टी गाँव वाले उनका मजाक उड़ाते फिरते थे, परिवार के लोगों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ। जिस पे यह दुनिया हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। यही सच हुआ। दशरथ मांझी ने अपने अकेले के दम पर केवल एक हथौड़ा और एक छेनी के मदद 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी, 25 फीट ऊंचे पहाड़ का सीना चीर दिया और बदला ले लिया उस पहाड़ से जिसने उसकी प्रेमिका, उसकी फगुनी को उससे छीना था। अब गहलोर और वजीरगंज की दूरी पहले 55 किलोमीटर होती थी, अब सिर्फ 15 किलोमीटर में रह गई। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे बना हुआ दशरथ मांझी जी का पुतला, और आगे चलते हैं पर्वत पुरुष दशरथ मांझी समाधि स्थल गहलोर। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे दशरथ मांझी जी का पुतला बनाया गया है और यहाँ पे दशरथ मांझी जी का समाधि है। ये कुछ बैठने के लिए जगह बनाया गया है। पीछे वही पहाड़ है और हम लोग चढ़ने वाले इसके ऊपर, देखते हैं वहाँ का व्यू किस प्रकार का आता है। ये मेरे साथ एक दोस्त आया हुआ है, इसका नाम कुंदन है। और ये है पीछे गहलोर घाटी, पूरा दूर दूर तक। वाव, हवा मस्त चल रहा है यहाँ पे, गर्मी है लेकिन हवा मस्त चल रहा है। पीछे का कुछ इस प्रकार का व्यू है। और ये सामने पहाड़ जिसको दशरथ मांझी जी काट के पूरा बना दिया था।
भी दिल में हुआ कि तेल युग में कितना घाड़ा फोड़ दिया और कितने के टकराया, तो परिश्रम तो मेरा होगा एक गो, बाकी रास्ता बन जाने से लाखों जनता के आराम होगा, यही दिल में हमारा विचार होगा। पहले तो हल्ला कर दिया, इतना बड़ा छेनी से लगाए तो हल्ला कर दिया सब राहगीर हो कि ये वो पगला है, पगला का हल्ला किया। अब कितना कहे कि महाबुलबक है, कितना मजदूरी कौन देता है। अभी रास्ता पहले 80 किलोमीटर घूमना पड़ता था अत्री वजीर का, और रास्ता टूट जाने से 1 किलोमीटर में मिल गया 2 थाना। अभी रोड बनता है तो फतुआ फतेहपुर और 12 चट्टी जीटी रोड में मिलता है कि कैसे तोड़ दिया उनके हाथ से। हमको सुनो, गाड़ी का बनाने वाला कौन है, बना के छोड़ दो, गाड़ी चलेगा अपने, फिर तो हाथों चलाता है।